जानते हैं, जब एक लड़की शादी करके आती है ना, तो अपना नाम, अपना सरनेम सब कुछ बदल देती है। अगर वो किसी दूसरे धर्म से आई है और हस्बैंड दूसरे धर्म का है, तो वो अपना धर्म भी बदल देती है ना। क्यों? उस इंसान की मोहब्बत में धर्म भी बदलते, अपने आप को पूरी तरीके से उस पर चेंज भी करके रखता है। घर संभालते, बच्चे संभालते हैं, बच्चे पैदा करते, औलाद पैदा करते, उस घर की वारिस देती है ना, सब कुछ करती है, क्योंकि तमाम काम उसके जिम्मे में रहते हैं। खाना बनाने से लेकर घर की झाड़ू बर्तन करने से लेकर, सफाई करने से लेकर, घर का ख्याल करने से लेकर, हर चीज़ की जिम्मेदारी उस औरत को होती है। बच्चों को पढ़ाना, स्कूल लाना ले जाना, टिफिन बनाना, हस्बैंड का खाना कपड़ा सब कुछ तैयार करना, घर की हर एक ज़रूरती को चीज़ों को याद रखना, सब कुछ करती है ना। उस घर को अपना घर समझकर, उस घर को अपना घर मानकर सब कुछ करती है। लेकिन ये तमाम काम करने को उसको अगर 5 मिनट के वक्त मिल गए, उस 5 मिनट के वक्त में मुश्किल से अगर वो 5 मिनट का वक्त निकाल भी लिया उसने, और उस वक्त अगर अपने माँ से फ़ोन पे बात किया, माँ की खबर ली, इस चीज़ पर घर पे झगड़े हो जाते कि हाँ हमेशा फ़ोन पे लगी रहती है, माँ से बात करना है, काम तो कुछ है नहीं, माँ चढ़ाती है और घर तोड़ती है। जो लड़की जिस घर से पैदा होकर आई है, उस माँ को याद करना भी गुनाह है? नहीं है। कोई कानून, कोई धर्म नहीं बता है, ना ही इस्लाम धर्म इस धर्म इसका इजाज़त दिया है वो बात कर सकते हैं। इस्लाम धर्म तो धर्म खास कर ये बताया कि वो माँ से बात कर सकते हैं, अपने खानदान से, खानदान वाले से, माँ बाप से, भाई बहन से बात कर सकती है ना, थोड़ी सी खबर ले सकती, इस पर कोई गुनाह नहीं है। जिस तरह एक हस्बैंड की माँ बाप उसके लिए अहमियत रख ले उनके लिए, उसी तरह एक औरत को भी माँ बाप अहमियत रख ले। फ़र्क इतना है, लड़की अपने माँ बाप को छोड़ कर आते और लड़के अपने माँ बाप को छोड़ कर नहीं आते, ठीक है। और कोई औरत ऐसा चाहता भी नहीं है। हर औरत एक दुनिया के निज़ाम है, हर औरत अपना घर मायका छोड़कर ससुराल जाती है और वही उसका घर होता है। लेकिन वो ससुराल वाले क्यों कभी उस लड़की को अपना घर की बेटी नहीं समझते, उसको बहू भी नहीं बनाते हैं? कुछ ससुराल वाले ऐसे देखे उसको, उस घर उस औरत को बहू तक नहीं मानते हैं। तमाम काम करे, जिम्मेदारी उठाए, तब वो बेटी को सामने लाया जाता है। लेकिन अपनी बेटी घर पर पड़ी हुई रहती है, अपनी बेटी ससुराल से आके मायका में महीनों महीनों तक रहते, उसको कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जब वो और लड़की एक दिन या दो दिन मायका जाने के लिए इजाज़त लिया जाता है, तो उस पर घर पे झगड़े हो जाते, वावेला खड़ा हो जाते। क्यों? इतने काम करने के बाद अगर आके एक मुलाजिम रखे, एक स्टाफ रखते हैं दुकान में या काम में, तो उसको खिला पिला के 8 से 10 हज़ार तनख्वाह दिया जाता है। लेकिन एक औरत तमाम काम करने के बाद उसको अगर अपनी ज़रूरत चीज़ों के लिए चप्पल जूते फट गए, इसके लिए पैसा मांगा, तो उसके हाथ में 50 रुपये 100 रुपये दिया जाता है। क्यों? क्या इस औरत की इतनी अहमियत है उससे प्यार से बात नहीं करने? वो एक गुलाम है कि बीवी है? अल्लाह ने औरत को दिल के मर्द के पसली से बनाया गया है, उसको दिल पे सजाने के लिए, ना सर पे रखो ना जूते बना के रखो, दिल पे रखो बोला है, इतनी मोहब्बत देने के लिए बोला है, इतनी मर्तबा दिया है। लेकिन लोग इसको नहीं समझते, लोग अपने औरत को पैर की जूती समझते और जूते में ही रखना चाहते। मैं ये मैसेज उन तमाम लोगों को देना चाहती हूँ जो इस तरीके से करते हैं, संभल जाए, क्योंकि मर के हर किसी को जाना है और हर किसी के हिसाब। इंसान को एक दिन इस दुनिया से मर कर जाना है, पर हिसाब देना है, तब उस रब के बारगाह में खड़े होकर क्या जवाब दोगे? अपनी बीवी का हक मारने का सिला क्या जवाब दोगे? हर औरत दौलत, जेवर, सोना, कपड़ा, घर, गाड़ी, बंगला नहीं ढूंढती है। कोई औरत ऐसी भी होती है जिसको थोड़ी सी शफ़क़त, थोड़ी सी नरमी और मोहब्बत की दो मीठे बोल की ज़रूरत पड़ती है शौहर का, उससे उसकी पूरी थकान दूर हो जाती है। कुछ ऐसी औरतें भी, उसने ज़िंदगी गुजार दी अपने हस्बैंड की प्यार भरी नज़रों के लिए, दो मीठे बोल के लिए, लेकिन उसकी वो कभी भी पूरी नहीं हुई है। हर औरत को जेवर और कपड़े और जायदाद सोने की ख्वाहिश नहीं होती है, कुछ औरत को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और वो मोहब्बत दो मीठे बोल बोले, उसका हस्बैंड दो वक्त थोड़ी सी वक्त उनके साथ बैठे, एक रोटी भी साथ में खाए और उसकी तबीयत पूछते, इतना ही उस औरत के लिए सब कुछ होता है। लोग कहते हैं ना कि कोई औरत, कुछ औरतें कहते हैं ना दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस औरत ने पूरे दुनिया के मर्दों को आजमाया है और देखी है।
इसका मतलब ये होता है कि उसने एक ही आदमी में पूरा दुनिया देखा था, एक ही शौहर में एक ही हस्बैंड ने पूरा दुनिया देखा था, इसीलिए उसने पूरी दुनिया की तमाम तकलीफें उस एक इंसान ने देने की वजह से वो औरत पत्थर बन जाती है, उसको हर कोई बुरा लगने लगता है। वजह सिर्फ ये है, औरत बर्दाश्त करती है, बर्दाश्त करते करते बर्दाश्त की हद जब पार होती है तो वो या तो जवाब देना शुरू करती है या तो वो खुदकुशी करके अपने आप को ख़त्म कर लेती है। लेकिन जब जवाब देगी तो भी वो औरत बुरी हो जाती है और वो खुदकुशी करेगी तो भी औरत बुरी हो जाती है। हर एंगल में औरत को ही बुरा जाए, मैं ये नहीं बोलती तमाम दुनिया की औरत अच्छी, बहुत सारी ऐसी औरतें जो अपनी ख्वाहिश के लिए अपने शौहर को तंग भी करता है, नफसी जरूरत के लिए परेशान भी करता है, उसको ज़्यादा जेवर चाहिए, हर बार जेवरी चाहिए, हर बार गिफ्ट तोहफे, ऐसा नहीं बोल रही। कुछ औरतें ऐसे हैं जिसको खाने के अलावा कुछ नहीं दिया जाता है, बस खाने और साल में एक बार कपड़े दिया जाता है, वो भी ताने भर कर। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या ऐसे ही ज़िंदगी गुजारना है, मर कर जाकर हिसाब नहीं देना है, अपने रब के बारगाह पे खड़े नहीं होना है? क्या उसको डर नहीं है? क्या उसको इतना यकीन है कि वो बच जाएगा? नहीं बचेगा। वो अल्लाह हर किसी का सुनता है, औरत एक मजलूम का बहुत ज़रूर बहुत जल्द सुनता है, उसकी आंसू को देखता है और उसकी हर हिसाब देता है। वो शख्स भूल क्यों जाता है? उसको मर कर जाना है, ये जिस्म है ना मिट्टी से बनी है, एक दिन इसको मिट्टी में मिल ही जाना है। हर किसी को इस दुनिया से वापस जाना है उस दुनिया में जहाँ से वो आया था, ये वादा है, उस रब का वादा है, हर किसी को वापस जाना है। तो प्लीज़ जब तक दुनिया में हो अपना हक अदा करो। अगर तुम्हारी बीवी अच्छी नहीं है, बदतमीज़ है, सही से बोलना नहीं आता, उसके जुबान चलता है, तो सब्र करो, उस रब की यहाँ पाएगा यहाँ पर दुआ करो, सब्र करो, तुमको उस सब्र का बदला ज़रूर देंगे वो रब। उस औरत को गुनाह होगा, तुमको नहीं होगा। कोई इंसान एक छोटी छोटी वजह के, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने हम लोगों ने देखा है ज़िंदगी में कि एक छोटी छोटी गलती की वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई है। ठीक है, औरत भीख देने की चीज़ नहीं है, औरत दिल पे रखने की चीज़ है, औरत कोई चीज़ नहीं है, औरत एक मर्द के लिए, एक शौहर के लिए उसकी ज़िंदगी का एक साथी है जो उस रब ने जन्नत से आसमान से जोड़ा बनाकर भेजा है। दुनिया में आने के बाद माँ बाप औलाद सब कुछ आता है, भाई बहन सब होता है, लेकिन एक बीवी जो होता है ना वो जन्नत से जोड़ा बन के आता है।